हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में सबसे पहली हार्वेस्टिंग आपके साथ मेरी बीन्स की। और बीन्स जो है बहुत ही पौष्टिक सब्जी है फ्रेंड, लगभग पूरे साल भर इसको आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। मेरा इसके लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये मुझे मिल जाती है मेरे गार्डन में, मैं जब भी इसको ग्रो करती हूँ। और बीन्स एक ऐसी सब्जी है जो भरपूर मात्रा में इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सभी कुछ पाया जाता है। ये बहुत अच्छी जो है हमारी आइज़ के लिए होती है और बहुत ही अच्छी ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, हमारे स्टमक के लिए बहुत लाभदायक है। और सबसे बड़ी बात है ये जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी ये वेजिटेबल है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड, जिस तरीके से सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वेट लॉस करने में हमारी मदद करती है, उसी तरीके से जो है बीन्स भी भरपूर मात्रा में जो है हमारे लिए इस तरीके के इसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं कि वेट लॉस करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बीन्स को ग्रो करना बिल्कुल ना भूलें अपने गार्डन में और ले बीन्स के ढेर सारे फ़ायदे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत इजीली ये ग्रो हो जाती है, कोई इसे स्पेशल देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ये आपके गार्डन में ग्रो हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे से मेरे गार्डन में ग्रो हो रखी है। बीच में मैंने इसमें डाला हुआ है लहसुन ताकि जो इस पर किसी तरीके के कीट का जो है अटैक ना हो। और देखिए कितने हेल्दी जो है मेरे प्लांट हो रहे हैं और कितने हेल्दी जो है इस पर वेजिटेबल हो रही है। मिली जुली खेती भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है फ्रेंड, अगर आप एक सब्जी के साथ किसी ऐसी सब्जी को ग्रो कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये जो है कीटों से इसको दूर रखेगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कभी पॉलिनेशन में तो कभी और चीज़ों में। और दूसरी है चिली, तो चिली भी ये मेरी गोल चिली है और बहुत ही ज़्यादा ये तीखी भी है और बहुत अच्छी ये लगती है मुझे हार्वेस्ट करने में। और चिली तो ग्रीन चिली का तो आपको पता ही है, ग्रीन चिली हमारे लिए कितनी लाभदायक होती है, हमारी आइज़ के लिए, हमारी उसके लिए, हमारी आइज़ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है ग्रीन चिली। साथ ही में मैं यहाँ से, मेरे पास उग गया था कुछ बथुए, अपना आप से उग गए हैं, कुछ खरपतवार भी क्यारी में उग जाते हैं तो उनको आपको हटा देना चाहिए। साथ ही में मैं यहाँ से ले रही हूँ कुछ पालक, तो पालक भी अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास ये निकल आया है, इसमें एक दो पौधे हैं लेकिन बहुत अच्छे से इस पर पालक लग रही है। तो पालक भी आपको पता है आयरन से भरपूर होती है, बहुत अच्छी जो है ग्रीन वेजिटेबल हमारे हेल्थ के लिए होती है और हीमोग्लोबिन के स्तर को भी हमारी बॉडी में ग्रो करती है और साथ ही में जो इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करती है। तो बिल्कुल भी ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो करना ना भूलें अपने गार्डन में। साथ ही में राई, लेकिन आज राई की हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी क्योंकि अभी तो पालक ले लिया, थोड़ा सा लूँगी मेथी और मेथी, आलू मेथी बनाऊँगी और पालक का बनाऊँगी साग, पालक पनीर। तो इस तरीके से जो है यहाँ से मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मेथी, और मेथी भी जो है अच्छी क्वांटिटी में और बहुत हेल्दी से ग्रो हो रहे हैं मेरे ग्रो बैग में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हेल्दी हो रखी है मेथी। और कस्तूरी मेथी मैंने लगभग 4-5 बैग में बो दी है फ्रेंड, ताकि जो है मैं इनको ड्राई करके अपने नेक्स्ट ईयर के लिए भी रख सकूँ। तो मेथी भी ग्रो करना ना भूले, मेथी भी बहुत अच्छी होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। और बहुत सारे जैसे बादी रोग किसी के शरीर में हो जाता है, तो मेथी को, कस्तूरी मेथी के ये फ़ायदे हैं कि आप इसे ड्राई करके रख सकते हैं और अपने हर तरीके के खाने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है तो उनको इससे भी निजात मिलेगी, तो बिल्कुल ग्रो करना ना भूलें। तो ये है मेरी कुछ आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग, इसमें मेरे ढेर सारे बीन्स, पालक और लाल मिर्चें, और मैंने दो ले लिए इसमें लाल मूली और मेरी हरी धनिया और मेथी, और ये मैंने अरबी निकाली है, अरबी थोड़ा मैंने कर दिया साइड। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।